नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती मामले में उठते सवालों ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को धत्ता बता दिया है। सरकार भले ही कह दे कि जांच जारी है, लेकिन विपक्ष की भी मांग बरकरार है कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए या फिर सीबीआई इस मामले की जांच करे। विपक्ष की अगर बात करें तो आज नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मामले की जांच सीबीआई करे और जांच सीबीआई से ना करवाए जाने की सूरत में इनेलो जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इसी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आए थे, लेकिन सरकार और साथ ही मंत्रियों का जवाब है कि विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटा है। सरकार ने खुद ही जांच शुरू करवा दी। हरियाणा सरकार पर आरोप लगने का ये दौर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में घोटाले का मामला हरियाणा की राजनीति की सुर्खियों में बना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती घोटाला उजागर होने के बाद आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए। हालांकि मामले में सरकार का पक्ष है कि जो लोग शामिल है उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। गुरुवार को सीएम उड़न दस्ते ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। एसआईटी ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी। विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है। 51 वर्षों के सबसे बड़े भर्ती घोटाले ने सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर के झूठे दावों का पर्दाफाश कर दिया है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर बेच रही है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार। और अब हरियाणा के युवा कह रहे हैं कि नौकरियां बिकती बीच बाजार, मेरिट से नहीं सरोकार, और ऐसी रही खट्टर सरकार। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करे, एफआईआर करवाए, ऐसा ना करने की सूरत में इनेलो जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। हमने जो है कर्मचारी आयोग के अंदर जिस किस्म से एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो वायरल होने के बाद विधानसभा में इस इशू को उठाया था और हमने कहा कि पहले भारती जी का इस्तीफा लिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर लॉज की जाए और फिर इसके सारे इशू की इंक्वायरी करी जाए। सरकार ने इनको बचाने का प्रयास किया है। आज हम फिर इस बात को लेकर के मांग करते हैं कि इस पूरे आयोग को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, बजाय भ्रष्ट लोगों को एक्सटेंशन देने की। आज तो सारी चीजें पूर्ण रूप से सामने आ चुकी है कि किस तरह से दलाल किस्म के लोग पैसे लेकर के नौकरियां दिलवाने का काम करते थे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो दलाल थे वो एसएस बोर्ड के मेंबर्स को, चेयरमैन को जाकर के पैसे देते थे और वो फिर उनको नौकरियां लगाने का काम करते थे। यहाँ तक भी हुआ है कि टाइम और डेट निकल गई, उसके बाद भी जाकर के फॉर्म जमा कराए गए। इससे ज़्यादा बड़ी और अनियमितताएं क्या होंगी? इसलिए इस आयोग को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त करके इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जितने भी अब तक की जो जो भर्तियाँ हुई हैं उन सब की जाँच होनी चाहिए, उनकी जाँच हो और उसमें भी अगर इस तरह की कोई अनियमितताएं हुई है तो जिन लोगों ने किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला क्या कह रहा है उसकी बातों में हमने नहीं जाना। हमारी सरकार का साफ है कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी विषय भर्ती वो हमने करके दी है। अगर कोई उसके पास कहते हैं, कहकर वो भाग जाते हैं, बेशक जो पीछे उन्होंने दवाइयों में कहा, अनिल विज के ऊपर कहा, तो अनिल विज ने कहा लाओ सबूत, उनके पास सबूत नहीं है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ ऐसी कोई बात आई है तो खुद उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। अगर उनके पास अभय के पास कोई सबूत है तो लाए, उसकी जांच करा दें। पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है, मुख्यमंत्री जी ने पर्दा नहीं डाला उसके ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई की है। और जहाँ तक तार जुड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो कर्मचारी हैं जो पकड़े गए हैं ये कोई हमारे राज में भर्ती नहीं हुए थे, ये पिछली सरकारों के राज के भर्ती हुए हैं और इसकी तारें जो जुड़ रही हैं
वो पिछली राज के नेताओं के साथ जुड़ रही हैं जाके तारे इनकी, इनके टेलीफोन सारे पिछले लोगों के साथ होते रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, सारे प्रदेश की जनता उसकी सराहना करती है। हालांकि सीएम का पक्ष है कि जांच करवाई जाएगी, हमने खुद ही जांच की शुरुआत करवाई है और जांच में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, अगर वो खुद भी दोषी पाए जाएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। आप भी सुनिए। और ऐसे सफल जो भागीदार हैं, जो सफल कैंडिडेट्स हैं, उनके पास जाते हैं, आपकी भर्ती कराते हैं। और जो भर्ती लेने वाला होता है वो चोरी छपे इधर से उधर से उनको मांगे जो कुछ देना होता दे जाता है, शायद ही मेरी भर्ती करा देगा। अब वो 20 लोगों से मान ऐसा करते हैं और उसमें से 12 अपने आप भर्ती हो गए तो 12 के पैसे तो रख लिए और 8 भर्ती नहीं हुए उनके वापस कर दिए ये गिरोह। और जब पता लगा, हमने अपना जो सेम फ्लाइंग स्क्वाड है उसके में लगा, गुप्त रूप से किसी को पता नहीं लगना चाहिए ये छानबीन करो ऐसा ग्रुप कौन है, उसका पता लग गया, जानकारियां ली, कई गिरफ्तारियां कर ली हो गई। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन भर्तियों पर उठते सवालों ने सरकार के दावों को धत्ता बताया है। मामले की जांच से बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन क्या सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाएगी और अगर जांच करवाई गई तो क्या खुलासे होंगे और बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर आरोपों में दम नहीं होगा, ये जांच से साफ हो पाएगा और जांच का इंतजार रहेगा। खबरें अभी तक के लिए कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट। चलिए इन घोटालों के आरोपों और साथ ही जांच किस तरह की करवाई जाएगी और भर्तियां कितनी पारदर्शी रखी हैं, क्या वाकई हरियाणा में नौकरियां बेची गई, इसको लेकर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ केवल ढिंगरा साहब हैं, साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता रमणीक वाल जी हैं, इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र विद्या अलंकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार रणदीप घनघस हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। मान साहब, क्या आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर? आप लोगों ने बात की जीरो टॉलरेंस की करप्शन को लेकर। देखिए ज्योति जी, ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति है सरकार की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस चीज का संज्ञान लेते हुए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से इस बात का जो संज्ञान आने के बाद छापेमारी करी और उसके बाद जो कार्रवाई हुई आपके सामने 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी इसके अंदर जांच प्रक्रिया जारी है। और यहां तक मुख्यमंत्री, देखिए पारदर्शिता की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि यदि मैं भी इसके अंदर दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। तो अब आपने खुद अपने ओपनिंग में आपके पैकेज में आपने चलाया कि एक दफा जांच हो जाए उसके बाद मालूम चलेगा कि वाकई क्या इसके अंदर सरकार स्वयं शामिल थी या इन आरोपों में दम नहीं है। तो जब कोई चीज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई मामला अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर अगर उसका राजनीतिकरण करना देखिए स्वाभाविक है विपक्षी दलों का, क्यों? उनका अपना जो स्वयं का जो जनाधार है वो खोते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसका सबसे पहले संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने लेते हुए इसके ऊपर अपने फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से कार्रवाई करी है और जो लोग इसके अंदर दोषी हैं अभी है। जितने गिरफ्तार हुए आगे किसी का नाम आता है वो भी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा। सीएम ने भी यही कहा, आपने भी यही कहा कि सीएम भी दोषी होंगे तो एक्शन लिया जाएगा। सुनिए विपक्ष ये कहता है कि सीएम स्क्वाड जो है वही एक्शन लेती है, सीएम का उड़नदस्ता क्या अपने मुखिया को भी जांच के दायरे में ले सकता है? इसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, जो जहां तक जांच का विषय है, अभी इस विषय के ऊपर जितने लोग इसके अंदर दोषी पाए जा रहे हैं या जिनका पीआई में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर नाम आ रहा है उसके अंदर सस्पिशंस अगर कहीं फिंगर्स पॉइंट होती हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर कोई लगा व्यक्ति हो ऐसा, उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस बात से नहीं, आपको लगे या ना लगे, हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, संज्ञान में बात आते ही कार्रवाई हुई है इसके ऊपर। अब जो हमने स्वयं कार्रवाई की है उसको अगर कोई विपक्ष मुद्दा बनाना चाहे तो वो अपनी स्वेच्छा से बनाए, उनकी राजनीति है, खोजे उसको। संज्ञान में आते ही, संज्ञान में कब आई, शिकायतें मिलने कब शुरू हुई आप लोगों को? देखिए ऐसा है, सिलसिलेवार तौर पे अगर आप मुझे तिथि मात तक मांगे कि भी किनसी तिथि को क्या हुआ, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं देखो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, परंतु जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से नजर आया, देखिए 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं अपने संज्ञान में आ रही हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी और तुरंत प्रभाव से हमने देखा कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारियां भी डली। तो ये एक तिथि जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ, उससे पीछे का कब से संज्ञान में इस बात की मेरे को जानकारी। शुरुआत में कहा गया अत्रे साहब
सीएम उड़नदस्ती की ओर से जब छापेमारी की गई, गिरफ्तारियां की गई कि 8-9 महीने से ये शिकायतें मिल रही थी, अब ये बातें निकलकर सामने आती है कि 1-1.5 महीने से शिकायतें मिलनी शुरू हुई, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बातों पर मैंने कहा सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च को ये बात कही थी। इस मामले में जो सीएम स्क्वाड की ओर से कहा गया, इस मामले में सरकार और सरकार के नुमाइंदे लगातार झूठ बोल रहे हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब भर्ती की प्रक्रियाओं पे आरोप लगता है कि धांधलेबाजी हो रही है, घोटाला हो रहा है, तो बजाय चेयरमैन को और आयोग को भंग करने के, हाँ। और इस तरह की बात, अभी जैसे मान साहब कह रहे थे कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने कहा, 13 मार्च को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह मामला उठाया और उस वक्त विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद बिना किसी जांच के क्लीन चिट दी जो चेयरमैन है भारत भूषण भारती जी को। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी बिना जांच के क्लीन चिट दे दें तो किस तरह की जांच करेगी पुलिस, सोच सकते हैं आप। कहीं ना कहीं एक बात और भी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर, देखिए मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं कि अगर मैं खुद भी दोषी पाया जाऊं तो कार्रवाई होगी। कौन करेगा कार्रवाई? जांच कौन कर रहा है? हाँ। हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कैसे कर सकती? कैसे करेगी? इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त भी कहा था कि आयोग को भंग कीजिए, चेयरमैन को हटाइए और उसके बाद सीबीआई से जांच करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी प्रदेश की जनता के सामने होना चाहिए। बजाय इस बात को मानने के भारतीय जनता पार्टी के नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अभी विज साहब को सुन रहा था, विज साहब ये कह रहे थे कि जो आरोपी हैं उनको पिछली सरकार ने लगाया था। विज साहब से ये पूछे कोई, जो पुनीत सैनी मुख्य आरोपी जिसको एसआईटी खुद कह चुकी है, वो आपने लगाया, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, यहां से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में नौकरी करता था, चेयरमैन के सिग्नेचर से उसकी अपॉइंटमेंट हुई, इस बात का क्या जवाब है अभी साहब के पास? अभी मैं तो सुन रहा था मनीष ग्रोवर जी बड़ा अजीब बयान दे रहे थे कि अगर अभय सिंह जी के पास कोई सबूत है तो सबूत दे। अरे साहब, सबूत तो आपकी एसआईटी दे चुकी है, यह साबित हो चुका है कि घोटाला हो रहा है। अब तो केवल उसकी अगर सही जांच सीबीआई से करवाई जाए तो जिन मगरमच्छों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप जांच के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, उस ढोंग से पर्दा उठेगा। सच्चाई ये है कि ये पूरा घोटाला मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में चेयरमैन के द्वारा किया जा रहा है। एक बात और बता देता हूं, पंचकुला के अंदर बाकायदा दलाल स्ट्रीट लगती थी, इन्हीं के एक छुटबैये नेता जिनको अभी अभी ताजा ताजा इन्होंने इनाम दिया है, उनका नाम इस कांड में आ रहा है। लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि कुछ अफसरों से मिलके भर्ती के अंदर वो जो छुटबैया नेता है वो लगातार घोटाला कर रहा था। तो आप नाम और मैं अभी बताऊंगा ना, आप सुनिए। नाम भी बता दीजिए, दर्शकों को जानकारी हो जाएगी। मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक एक आरोपी है सुरेंद्र जो इसमें गिरफ्तार हुआ है, उसके टेलीफोन्स की जांच करवाइए, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करवाइए, पता लगेगा। कृष्ण ढुल जो है जिनका इस मामले, उसके टेलीफोन के रिकॉर्ड से पता लग जाएगा क्या हुआ इसके अंदर। कहीं ना कहीं बचाने की कवायद से ज्यादा कुछ नहीं है ये सब। सरकार अगर सही जांच करवाए, सीबीआई से जांच करवाए, तो सही आरोपी जो सही जो गुनहगार है, मेहमानों को भी चर्चा में मगरमच्छ है वो काबू आएंगे। छोटा सा जवाब, उसके बाद अजय देशवाल जी भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, पीड़ित हैं इस मामले के। देखिए ज्योति, मैं समझता हूं कि जो नेम ड्रॉपिंग का काम है ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। नेम ड्रॉपिंग का आप बिना सबूत के किसी को आप आरोप लगा रहे हैं। आप आरोपियों के फोन सही जांच करवाइए, सीबीआई से जांच करवा लीजिए, पता लग जाएगा आपको। अगर आप हरियाणा पुलिस से जांच करवा के ये उम्मीद करेंगे कि वो चेयरमैन के खिलाफ जांच करेगा, या तो आप चेयरमैन को पद से हटाइए, आयोग को भंग कीजिए, सीबीआई से जांच करवाइए, सच्चाई पता लग जाएगी। सुनिए, ऐसा है, निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जैसा कि आप कह रहे हैं तो विदित है ऐसा ही होगा। पहले भी हुआ, पहले नहीं हुआ हरियाणा में, पर ऐसा निश्चित रूप से इस बार होगा। अगर कोई भी व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ या पार्टी से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम स्पष्ट रूप से सामने आता है कि हाँ ये व्यक्ति इस काम के अंदर या इस घोटाले के अंदर, क्यों करेगी एसआईटी ही जांच, क्यों करेगी, क्यों ना सीबीआई जांच करे जो कि विपक्ष मांग करता है। सर सुन लीजिए, क्यों ना हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करें, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करें, राज्य पुलिस ही जांच करेगी, एसआईटी ही जांच करेगी, आप लोग दम भी भरेंगे कि जांच जारी है? ओके ओके ज्योति जी, मैं ये कह रहा था कि यदि स्थापित होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सिद्ध होती है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मेरे ऊपर भी अगर कोई आरोप आता है, देखिए मुख्यमंत्री जी की छवि इतनी पाक और साफ है कि हर बार ये प्रयास होता है विपक्ष की तरफ से कि किसी ना किसी जरिए से सीधा हम मुख्यमंत्री का ही गला पकड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि इतनी साफ सुथरी है, दामन दागदार किसी का नहीं है हमारी सरकार के अंदर। और सुनिए भाई, सुनो ना, अगर छवि का पता लग जाएगा, कुछ आए तो सही सामने, आए तो सही सामने, इससे बड़ा सबूत क्या सामने होगा साहब? तो आप खुद कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, ये तो आप खुद मान रहे हैं ना। देखिए देखिए, हाँ वो कहाँ, वो कर्मचारी स्तर पे हो रही है,
कितने दिन हो गए जांच चलते हुए? किसी भी स्तर पे प्रारंभ हो सकती है, यदि ऐसा लगता है कि जो जांच हो रही है वो सही नहीं है, तो उस जांच को आप जिस तरह की आप प्रोएक्टिव होकर चलते हैं, आप हाईकोर्ट की चर्चा में आगे बढ़ूंगी। ऐसी जांच हुए हैं, विपक्ष कह रहा है कि जांच ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि जांच ठीक नहीं हो रही? तो फिर भाई आप सीबीआई से ऐसा कैसे कह रहे हैं? हम बता रहे हैं, आप सीबीआई से यही बात आपके ऊपर जाती है। अत्रे साहब एक बात बताइए, रमणिक का जवाब देखिए, आपकी मैंने बात सुनी, जांच कैसे करेगी? अरे मैंने आपके ये सवाल है, ये मैंने आप जांच कैसे करेगी? हां ठीक है साहब, देखिए ये भी बहुत दिलचस्प है कि रमणिक मान साहब पैनल पर कह दे कि कर्मचारी स्तर पर ही धांधली हुई है, बिना जांच की गारंटी ले लेंगे बीजेपी प्रवक्ता। रुकिए आपसे जवाब लेंगे, अभी कांग्रेस की बारी। हम आरोपों का हवाला दे रहे हैं सर, हम विपक्ष की मांगों की बात कर रहे हैं। विपक्ष की मांग है उसका मैं उत्तर दे तो रहा हूं। आप ये कह देंगे कर्मचारी स्तर पर ही हुआ? मैं कांग्रेस से जवाब लूंगी, कांग्रेस से जवाब लूंगी आपकी बात पर। सर आएंगे ना, आएंगे आपके पास जवाब दीजिएगा। विस्तार से मैंने ये कहा कि यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, मैं नाम दोहराना नहीं चाहता, इन्होंने क्यों लिया? मैं कह रहा हूं, नहीं, आप नहीं, के फोन की अरे आप कर आप नेम ड्रॉप सामने आ जाएगी। अरे भैया एक मिनट देखिए, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप विपक्ष के नहीं, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारी हो, तो मैं मांग कर सकता हूं जांच की। हम कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रहे हैं, मान साहब सारे ही जवाब आपसे लेने हैं, जवाब दीजिएगा। आपकी मांग करने से पहले सुनिए सर, आप बात नहीं समझे? नहीं, आपकी बातें समझने के लिए अभी समय है हमारे पास। रुकिए फिलहाल, ढिंगरा साहब आप बोलिए। कहने से पहले जांच शुरू। देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी विज साहब भी बोल रहे थे और ये भी बोल रहे थे, ये सीबीआई की जांच तो चलो एक विषय है, ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं हमने देना ही नहीं है, ये तो अलग मामला है। अब ये बताएं कि आप ये कह रहे थे कि ये जो पिछली सरकार के लगे हुए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुनीत सैनी कौन सी पिछली सरकार में लगा हुआ था और कहाँ लगा हुआ था, ये बता दें। और एक दूसरी बात आप ये भी बता दें कि बीजेपी कार्यालय से जो आदमी आप जिसको जोड़ते हैं वो कितनी तनख्वाह पे आपने रखा था, वो भी बता दें आप। पुनीत सैनी अगर वो दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में कार्यरत था, जो कि आप कह रहे हैं कि वो पिछली सरकार में था, अब ये भी देखें। और दूसरी बात आप ये भी बता दें कि जो राकेश गुप्ता थे पिछले राज के अंदर, वो गुड़गांव डीसी लगे हुए थे, आज वो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम लगे हुए हैं। उनके ऊपर जो मनेसर वाली मामले जमीन में मामला चल रहा है, उसके बीच में वो आपने उनको, जब वो मामले के बीच में बात चल रही है, उनका नाम आ रहा है, तो आपने उनको एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा रखा है। तो आप ये किस बात से, किस मुंह से कह रहे हैं ये बात कि ये जो अफसर है वो पिछली सरकार के थे? अफसर तो और किसी भी सरकार के थे, जिम्मेदारी सरकार की है, जिसके भी कार्यकाल में अगर धांधली हुई, घोटाला हुआ, अगर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर घोटाला हुआ तो सरकार ही जवाबदेह होगी, सरकार की ही जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से जो भाग रहे हैं, ठीक है। और एक बात और है, जो चेयरमैन है इस समय भारत भूषण भारती, उनके ऊपर पहले 75 लाख रुपए लेने का आरोप लग रहा था, इन्होंने तब भी नहीं उनके ऊपर कोई जांच खोली, आज जो हो रहा है उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं खोली। अभी मान साहब ने एक और बात मानी, उन्होंने कहा कि 25 मार्च को मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि हमें लग रहा है 23 मार्च को कि हमें ये लग रहा है, तो 23 मार्च को अगर लग रहा था तो आज 10 तारीख हो गई, 6 तारीख को अगर इन्होंने उनके ऊपर जो रेड भी करी तो इतने दिन तो हो गए, अभी सीबीआई जांच को क्यों नहीं देते आप? आपको सब पता चल गया कि धांधली हुई है, 2 लाख। चलिए मामले के पीड़ित से जानेंगे, आप जांच को उत्तर उलझा दीजिएगा, एक स्वतंतर एजेंसी को जांच देनी चाहिए। अजय देशवाल जी है हमारे साथ, इस पूरे ही मामले के पीड़ित है। देशवाल साहब बहुत स्वागत है आपका, आपसे जानेंगे कि पूरा ये एपिसोड क्या रहा और आपके साथ जो जो चीजें हुई कि आपने जिस तरह से सेकंड टॉपर आप रखे या जिस तरह के आरोप आपकी ओर से भी लगाए जा रखे हैं, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, खुद बताइए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी मैम, मैंने म्यूनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी का एग्जाम दिया था और वो 3 पोस्टें थी जर्नल के लिए। जी तो जर्नल में मैं सेकंड टॉपर था। हाँ। तो जो फर्स्ट टॉपर है वो अभी जो गिरफ्तार हुए हैं सुभाष पराशर सुपरिटेंडेंट SSC, उनका पुत्र है। जी। जो फर्स्ट टॉपर है वो उनका पुत्र है, यानी कि जो बाकी नौकरियों में जिसने धांधली की, पैसे लिए, उस नौकरी के लिए उसमें अपने पुत्र को टॉपर करवाया। ठीक है।
तो एक उनका हो गया, बाकी बची दो पोस्टें। तो इंटरव्यू के लिए जिनके सबसे कम नंबर आए थे उन बंदों को, बाकी दो बंदों को 25 में से 21 और 20 नंबर दे के सिलेक्शन किया। मुझे रोकने के लिए 25 में से 6 नंबर दिए गए, यानी कि रिटन टेस्ट में जो लोग आगे थे उनको इंटरव्यू में रोकने की कोशिशें की गई एक बड़ा मार्जिन रखकर। बिल्कुल मार्जिन रखा। और जब भी कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कि ये सिर्फ कर्मचारी स्तर पे है, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो चेयरमैन और मेंबर डिसाइड करते हैं, कर्मचारी डिसाइड नहीं करते। तो यहाँ पे तो दोनों मिलके, कर्मचारी और आयोग मेंबर जो है वो मिलके सब धांधले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुप्रिंटेंडेंट सुभाष पराशर ने अपने लड़के का सिलेक्शन करवाया, मेंबरों ने बाकी दो बंदों को 20 और 21 नंबर लगा के सेटलमेंट। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अत्री साहब आपके पास भी आएंगे ब्रेक से पहले, बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ लें। घनगर साहब कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को जो सरकार पर आरोप लग रखे हैं फिलहाल? देखिए ज्योति जी, ये पूरा मामला उजागर नहीं होता अगर कुछ लोगों की आपसी फूट ना होती। सबसे पहले एक नगर परिषद के चेयरमैन और पूर्व सांसद की एक ऑडियो रिलीज होती है जिसमें किसी काम के पैसे के लेन देन का आरोप लगते हैं, वो मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। उसके बाद विपक्ष के नेता ने एक और मीडिया से बातचीत करते हुए एक और मुद्दा उठाया कि 25 अगस्त 2017 को कर्मचारी चयन आयोग के बाहर 3 गाड़ियां जली थी। बिल्कुल। वो 3 जो कर्मचारी अब पकड़े गए हैं वो गाड़ियों का संबंध उन तीनों से था। उन लोगों ने उन गाड़ियों के बारे में न कोई डीडीआर जमा करवाई, पुलिस में कोई डीडीआर दी, न उनका कोई इंश्योरेंस क्लेम लिया, जबकि सरकार ने कहा था कि भाई जो लोग जिन लोगों की गाड़ियां जली हैं उन लोगों को गाड़ियां दी जाएंगी। ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, ये 3 लोगों से संबंधित वो गाड़ियां थी। उसके बाद ये मामला धारा परवा धारावाहिक रूप से हर रोज आगे बढ़ने लग गया। अब सुभाष पराशर जिनके बेटे को अजय देसवाल ने बताया कि भाई उनके तो नंबर 174 आए थे, उनको 17 नंबर दिए, मुझे 162 आए थे, मुझे 6 दिए गए। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका चयन किया गया, उनको 150-150 नंबर आए थे और 25 में से 20 और 21 नंबर देकर उनका चयन किया गया। उसके बाद तो ये फोन रिकॉर्ड और ये चलने लग गए, तो ये पूरा मामला उसके बाद उजागर हुआ है इस मामले में। और अगर पुलिस की बजाय सीबीआई या कोई और एजेंसी जांच करे, सिटिंग जज जांच करे, तो हो सकता है मेंबर और चेयरमैन तक भी ये आँच पहुँचेगी। लेकिन सीएम हरियाणा के सीएम इसमें तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने शुरुआत तो की एक जांच करवाने की, लेकिन पहले जांच करवाई भी नहीं जाती थी कई बार। जी लेकिन देखिए बार बार एक बात कही जा रही है कि सीएम साहब पाक साफ है। जिस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को उठाया था, ऑडियो के मामले में चेयरमैन के बारे में जब बात कही गई तो मुख्यमंत्री जी ने उनको क्लीन चिट देने के साथ साथ उसी वक्त चेयरमैन साहब की एक्सटेंशन 3 साल की कर दी और मेंबरों को एक्सटेंशन 1-1 साल की दे दी। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं विधानसभा में लग रहे हैं, सबूत ऑडियो के तौर पर सामने है, उसको अगर मुख्यमंत्री जी एक्सटेंशन देते हैं तो इससे इसको क्या समझे हम? बस नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में हो रहा था। खास बात यह भी है कि 7 मार्च को उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, बजट सत्र के दौरान जानकारी नहीं दी जाती, 27 मार्च को यह बात सार्वजनिक की जाती है कि आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया। सवाल क्यों लेकिन जो इसी से मैं एक बात और जोड़ दूं, मैं अजय देसवाल की बात से सहमत हूं कि जो इंटरव्यू के नंबर लगते हैं वो किसी कर्मचारी का अधिकार नहीं है लगाना, बिल्कुल वो मेंबर या चेयरमैन की सहमति से लग सकते हैं। हाँ जी, विद्यालंकर जी बोले। देखिए ज्योति जी, मामला बेहद गंभीर है और मैं इस गंभीरता को 2 साल से बीजेपी के कुछ लोगों को कहता रहा हूँ कि जो प्रेजेंट सिस्टम है, चेयरमैन ने सारी पावर अपने पास ली हुई है, सेक्रेटरी के पास कायदे से सीक्रेसी वर्क होना चाहिए क्योंकि सेक्रेटरी सरकार का आदमी होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन चेयरमैन उस सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पारदर्शिता के लिए, क्योंकि चेयरमैन के ऊपर आरोप लग सकते हैं कि उसने उस पार्टी के लिए सेलेक्शन में भेदभाव किया, लेकिन उसको कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। और मैं समझता हूँ इसकी पुष्टि होनी चाहिए सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं रमणीक जी, वो तायद करेंगे या समर्थन करेंगे या उसके बारे में कोई तर्क देंगे कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन चेयरमैन ने अपने पास से सारे अधिकार लिए हुए हैं और इससे भी आगे बढ़ करके सरकार ने, मैं नहीं समझता सरकार को इस बात का क्यों नहीं पता चला कि चेयरमैन चेयरमैन की इसमें पूरी तरह से मोनोपोली है। मेंबरों की भी शिकायत थी कि हमारे को 10 मिनट पहले ही चेयरमैन ये लिस्ट देते हैं कि आज आपने
कौन से इंटरव्यू करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, और इंटरव्यू के दौरान वो दिखाने के लिए हमसे मोबाइल भी छीन लेते हैं, और एकदम जैसे इंटरव्यू समाप्त हो जाते हैं हमसे वो ले लेते हैं। यानी आप इसका मतलब मेंबर को भी ये नहीं कह सकते कि मेंबर कहीं कहीं इन्वॉल्व हैं, अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो है ये मुख्य मुद्दा ये है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सारों को ये तय करना चाहिए था कि देखिएगा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए था। इन्होंने कहा था हम पारदर्शिता लेके आएंगे, क्यों पिछली सरकारों का काफ़ी कुछ ये आरोप लगाते रहे थे जब विपक्ष में थे, लेकिन इन्होंने आकर के उसी पैटर्न को अडॉप्ट किया। जबकि ये कहते थे मोदी जी गुजरात में ये है कि इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है क्लास थ्री की, उसमें क्लास फोर में तो ऑलरेडी यहाँ अपॉइंटमेंट का दूसरा तरीका हर सरकारों में, लेकिन क्लास थ्री के लिए भी गुजरात में इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम भी इंटरव्यू सिस्टम खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक उस इन्होंने पहल नहीं की है। मेरे बहुत देरी से आगे जो भर्तियां होंगी उनके लिए हो सकता है, लेकिन फिलहाल तक की जी जो भर्तियां हुई उन पर सवाल उठेंगे। रमणीक मान साहब, सवाल आपसे शुरू हुआ था, आपके पास ही आ गए, आपने कहा कि कर्मचारी स्तर तक ही दिक्कतें परेशानियां हो सकती है, इंटरव्यू के नंबर क्या कर्मचारी लगाएंगे, देशवाल जी ने भी सवाल किया। देखिए प्रश्न ये है कि क्या आज से पहले किसी सरकार ने ऐसी कार्रवाई करी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हो। बल्कि मैं एक मिनट यार एक मिनट, मैंने आपकी बहुत सुनी थोथा चना बाजे गणा, मैंने बहुत सुनी आपकी कांग्रेस पार्टी की। अरे अरे रुको रुको रुको, आप मुझे बताओ ओएसडी चोपड़ा कौन था। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विपक्ष ये भी कहता है कि आपसे एक प्रश्न करवा के क्या साधुवाद लेंगे, हाईकोर्ट भी आपको कह सकता था, संज्ञान ले सकता था इस मामले में जिस तरह से याचिकाएं थी हाईकोर्ट में। आपके 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 माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि चोपड़ा साहब कौन थे ओएसडी सीएम के, क्या लिस्टें नौकरियों की उनके कंप्यूटर पे उनके घर में नहीं मिलती थी? कौन सा जो कौन सी लिस्टें आपने कहां देखी? कोई बात, हाँ हाँ ये अरे भैया आपने क्या देख लिया, आपने क्या देखा, अरे आपने क्या देख लिया, आपने क्या देख लिया, अरे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ जो लगाया गया कार्यकाल में एक्चुअल आदमी आया वो, अरे इतना चिल्ला मत करिए, काम कर रहा था वो, इतना चिल्लाया मत करिए, तुम खा गए जनाब, उसका रोल क्या है? अरे वो आईटी सेल का सीक्रेसी ब्रांच का इंचार्ज था वो, सीक्रेसी वो रखेगा जो आदमी हरियाणा का कर्मचारी नंबर सीक्रेसी मीनाक्षी दहिया, गायत्री हुड्डा, विजेंद्र हुड्डा, सर बातों को गुलमोल ना घुमाइए, क्या बात कर रहे हैं आप, इस बात का जवाब दीजिए कि सरकारी इंटरव्यू के नंबर लेते हैं क्या, इनकी बात कर रहे हो आप, पता नहीं है उठ रही है तो आपको पता नहीं है, किसी और पे जा रहे हो, केवल ये कह रहा हूं आप ये बताओ कि पुलिस ने बीजेपी के कार्यालय से कहा था या कहीं और से आया था या पिछली सरकार का लगाया हुआ था। अरे इतनी चिकन चिल्ली आप सुनिए ना, डिंगरा साहब सुनिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे, डिंगरा साहब इतनी चिकन चिल्ली ठीक नहीं है, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, हां उत्तर दे रहा हूं। चुनाव से पहले कांग्रेस घिरती रही भ्रष्टाचार को लेकर, बीजेपी के पास चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त देश और राज्य देने का रहा, लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप लग रहे हैं हरियाणा में कि नौकरियां बेची गई हैं, उन आरोपों में कितना दम है और किस तरह की जांच करवाई जाएगी, उसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ। ढींगरा साहब, जो कहा गया सुरजेवाला की ओर से कि किसके कहने पर पैसे लिए गए, किस एवज में पैसे लिए गए और कहाँ पैसे भेजे गए, इसकी जाँच जरूरी हो जाती है। देखिए जो इन्होंने जब काम शुरू किया तो जो ओएमआर शीट होती है जिसके ऊपर बच्चा पेपर देता है उसको बंद कर दिया गया और कंप्यूटर के द्वारा पेपर लेने शुरू करवाए गए जिसके अंदर रिकॉर्ड सारा कंप्यूटरों के अंदर बंद है। तो ये जरूर बनती है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती या इंडिपेंडेंट कोई सिटिंग जज से जांच नहीं होती तो ये सारा मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सरकार के नीचे उनकी नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा था। तो ये हमारी मांग तो पहले से ही चल रही है कि इसको इस जांच को इंडिपेंडेंट एजेंसी की को दे दिया जाए, लेकिन जहां तक कि ये बीजेपी सरकार है ये किसी भी घोटाले को मानने को तैयार नहीं होती, किसी भी घोटाले को उजागर करने को तैयार नहीं होती, अपने आदमियों को शील्ड करने के लिए बैठी होती है। आज भी अगर 75 लाख का आरोप हुआ था उस समय भी कार्रवाई नहीं की इसी एचएसएस के चेयरमैन के ऊपर, और आज भी जो अब सारा मामला खुल के सामने आ गया आज भी ये कार्रवाई नहीं कर रही। कांग्रेस बाकी चीजों में एक्टिव नजर आती है, पूरे ही देश की बात कर ली जाए उतना इस मामले में एक्टिव आप लोग नजर नहीं आए, क्या चीजों को छुपाने की राजनीति की जा रही है कि आप लोगों पर भी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आप घोटाले को उतनी आवाज ना दें, उतनी बुलंदी के साथ ना उठाएं?
देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तीन डिबेट्स में मैं आ चुका हूं, तीन डिबेट्स में मैंने इसी चैनल पे बात ये रखी है। और ये बात दूसरी बात है कि जो रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लोगों के बीच में भी बात रखी है। अब जो जब जब ये चीज हम बार बार रख रहे हैं, इससे ज्यादा तो और क्या करेंगे, क्योंकि विपक्ष में हम अपने आप सीबीआई को जांच तो दे नहीं सकते, ये तो सरकार देगी। अगर हम इंडिपेंडेंट सिटिंग जज को जांच देने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। देखिए हम सड़कों के ऊपर ही हैं, विपक्ष कितना एक्टिव है आप लोगों से सवाल। हम 3.5 साल से सड़कों के ऊपर ही है, हम 3.5 साल से किसानों की समस्या, हम 3.5 साल से कर्मचारियों की समस्या, हम 3.5 साल से आपकी डिबेट में ही आप देख लीजिए और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हमारी मीटिंग्स देख लीजिए, हम सड़कों पे ही है। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मई के अंदर हमने एक रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं और हरियाणा के अंदर क्या कर रही है इस मामले को लेकर, हर एक लोगों के पास हर समस्या के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी नहीं लगता, तो मई में आपको ये सारे कार्यक्रम की सूची दे दूंगा मैं, तो हम हर एक इलाके में जाएंगे और रथ यात्रा। हुड्डा साहब के पैर में चोट लगता है कि सरकार पर दबाव बनाए जाने में आप लोग कामयाब हुए हैं, सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं फिलहाल तक। देखिए सरकार जो है, ये मैं पहले भी आपको कहा कि सरकार जो है किसी भी मामले को दबाने के ऊपर लगी हुई है। इस मामले में सरकार कुछ नहीं करना चाहती, अभी भी लीपापोती कर रही है, अभी भी ये सरकार यही काम कर रही है कि जितनी 2 से लेकर 10 लाख तक के रिश्वत का मामला लोगों के द्वारा जो दी गई है उसका उठ रहा है। आप देखिए 19 पेपर लीक हो चुके हैं, उसके द्वारा कितनी रिश्वत दी गई है, हमने वो भी मामला उठाया, लेकिन बात यह है सरकार सारी चीजों को छुपाने में लगी हुई है। अत्रे साहब, ढींगरा साहब को लगता है कि छुपाने में लगी है, हालांकि जांच की शुरुआत सरकार ने खुद पहल करके शुरू करवा दी है, क्या उसका साधुवाद सरकार को दिया जा सकता है? देखिए पहली चीज तो ये है कि सरकार ने खुद पहल नहीं की। मैंने पहले भी बताया ये मामला सबसे पहले अभय सिंह जी ने विधानसभा में उठाया था और गंगा साहब ने भी बताया किस तरह से विधानसभा में उठाया गया मामला है ये अभय सिंह जी द्वारा। लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पे ये चीज स्पष्ट सामने आ चुकी है और सरकार ने भी माना कि नौकरियों में पैसे का लेन देन हुआ, धांधली हुई। अब जांच इस बात की होनी है कि ये किसके इशारे पे हो रहा था, कौन मगरमच्छ हैं जो पैसा लेके इस तरह से नौकरियों की बंदरबांट कर रहे थे, इस चीज की जांच बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान सरकार की अगर आप देखेंगे एक विशेषता रही है, हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया लेकिन नारा दिया भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। हाँ। इसका एक उदाहरण दूंगा मैं, आज अभय सिंह जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मामला उठाया था और विधानसभा सत्र के अंदर भी 13 मार्च को ही वो मामला उठाया था जो उड़ार गगन रोहतक की जमीन का मामला था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन बजाय सीबीआई जांच करवाने के अब सरकार उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रही है। हाँ। एक रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कर रही है। कारण क्या है कि आप विधानसभा के अंदर सीबीआई जांच की बात करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में आप मुकर जाते हैं, उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण है। 13 मार्च को विधानसभा में अभय सिंह जी मामला उठाते हैं, 16 मार्च की डेट लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले में, क्योंकि पेटिशन डली हुई थी उसकी सीबीआई जांच की। सरकार को इस बात का डर था कि सुप्रीम कोर्ट उसमें सीबीआई जांच की बात करेगी और वहां पे फंसता कौन है, इनके अपने नेता सुभाष चंद्रा जो राज्यसभा मेंबर हैं, हाँ। उन्हीं के परिवार की कंपनी है वो उड़ार गगन जी, विशाल बचने के लिए खुद इन्होंने बजाय सीबीआई जांच करवाने के जुडिशियल जांच की बात की। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है जिसके अंदर जो पता लगता है किस तरह से मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोल दी कि साहब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच का आश्वासन दे चुके हैं, अगर वो बात वहां ना बोली जाती तो कोर्ट के द्वारा आदेश होने थे और जब कोर्ट के आदेश होते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये काम करते हैं मुख्यमंत्री जी, इस तरह से भ्रष्टाचार। चलिए विशाल सेठ जी भी है हमारे साथ, बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछेंगे आपसे। उससे पहले अजय देशवाल जी है हमारे साथ, इस पूरे एपिसोड के पीड़ित है वो। अजय देशवाल जी, क्या लगता है आपको, सरकार का जो पक्ष है कि जिन लोगों का चयन हो गया था उनसे रिश्वत मांगी गई कि आप लोगों का चयन करवा दिया जाएगा, क्या यही सच्चाई आपको लगती है, करीब से आपने देखा? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि आप इंटरव्यू में देखेंगे 6 मार्क्स दे के मुझे एक किस्म से रोका गया है सिलेक्शन होने से, और जिनका सिलेक्शन हुआ है 25 में से 21 और 20। अब मैं आपको एक और बताता हूं, जो इंटरव्यू में मुझसे सिर्फ चार क्वेश्चन पूछे गए और चार क्वेश्चन थे कि हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जीन से सफीदो है मेरा वो तहसील, तो सफीदो में प्रसिद्ध जो नाग क्षेत्र है वो किसने बनवाया है? हाँ।
जो सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ वो कौन सा है, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं, कोई भी आम नागरिक भी इनका उत्तर दे सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया 25 में से 6 नंबर दिए तो दिए कैसे, यानी कि उनकी कुछ मंशा थी, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कुछ ना कुछ मोटिव था, दे हैड मोटिव फॉर दैट। और अगर मुझे 8 नंबर दिया जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर 7 भी देते तब भी मेरा सिलेक्शन था जी। लेकिन मुझे 6 नंबर जानबूझ के रोका गया। ठीक है, जानबूझ कर रोका गया। विशाल जी फिर से स्वागत है आपका। विशाल जी आप ये बताइए, जब पीएम ये कहते हैं कि इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, सीओडी की हम बात कर लें, तो क्यों सरकार की ओर से पहले बंद नहीं किया गया इंटरव्यू? क्या आप लोगों की मंशा थी फिर इस तरह की धांधली, इस तरह के घोटाले होते रहे? देखिए हमारी मंशा ना रही है ना कभी हुई। अगर इंटरव्यू जिन जिन स्थानों पर इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है वहां वहां इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं। जहां जहां इंटरव्यू की जो हमारी इम्पोर्टेंस कम है वहां इंटरव्यू के नंबर बहुत कम कर दिए गए। अगर हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट और साफ नीति ना होती तो हम कभी भी इंटरव्यू के अंक इतने कम ना करते। ये कम है, 200 नंबर की आप परीक्षा लेते हैं 25 नंबर इंटरव्यू के, जिसमें मार्जिन इतना बड़ा हो सकता है, जो कि अजय देशवाल जी भी बताते हैं उनको 6 नंबर देकर रोका गया। उनको 6 नंबर देकर ये उनको लगता है। हाँ। ये उनको लगता है, कोई भी सफल उम्मीदवार, लेकिन कम नंबर कम कहाँ रहे, जो बड़ा अंतर हो सकता है, बड़ा मार्जिन हो सकता है जी। क्या हमारी कोई देशवाल जी से कोई निजी दुश्मनी थी या किसी और का, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने शिकायत के ऊपर खुद संज्ञान लेते हुए टेलीफोनों के कैप करवाया और इस सारे मामले में लोगों की धरपकड़ हो रही है। तो ये आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि इंटरव्यू के नंबर कम किए गए या जहां जरूरत लगी इंटरव्यू खत्म कर दिया गया? अत्रे साहब हैं हमारे साथ इनेलो से। अत्रे साहब देखिए, पहली बात तो ये है विशाल जी, जो आप कह रहे हैं इंटरव्यू के नंबर कम कर दिए गए, 15% से ज्यादा इंटरव्यू के मार्क्स नहीं रखे जा सकते, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। और आप 12.5% और 15% के मार्क रखे हुए हैं तो आपने कोई तीर नहीं मारा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि कंप्लेंट के ऊपर हमने कार्रवाई की, 13 मार्च को विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी थी, जब अभय सिंह जी ने मामला उठाया उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के क्लीन चिट दे दी चेयरमैन साहब को। ये आपने किस तरह की कार्रवाई की साहब, उससे तो स्पष्ट नजर आता है कि आपने बचाने की कोशिश की और अभी आप जांच में बचा रहे हैं। अगर आपकी मंशा ठीक है, अगर आप कहते हैं कि पारदर्शी प्रशासन, तो सीबीआई जांच करवा दीजिए। सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों सीबीआई जांच से भाग रहे हैं आप? विशाल जी आप हैं फोन लाइन पर? हाँ जी, हाँ जी मैम। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जाती जब विपक्ष बार बार कहता है कि राज्य पुलिस, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक संरक्षण किसी तरह का होगा या दबाव में काम करेगी? जवाब दे दीजिए इस तरह की जांच करवा के। फिर देखिए मैम, ये एक आम जनता की जो व्यू है वो मैं बता रहा हूँ, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, ये जांच नहीं होगी। अभी इलेक्शन नजदीक है, बड़े उच्च स्तर के जो आयोग के मेंबर हैं उनको बचाने के लिए छोटों को फंसाया जा रहा है। ये कुछ नहीं, एक साल के लिए आपको ये जांच में ऐसे उलझाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं करवाया जाएगा एक साल के लिए जांच का नहीं। ये सिर्फ आप ये किस्म से वोट बटोरने के लिए सब किया जा रहा है, बड़ों को बचाने के लिए किया। विशाल जी आपका संपर्क आपसे टूटा था, आप जवाब दीजिए, आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाते? जो अजय देशवाल है इस मामले के पीड़ित है, उनको लगता है कि आप चुनाव से पहले सिर्फ बातें करेंगे जांच की, ढिंढोरा पीटा जाएगा जांच का, लेकिन सही तरीके से जांच नहीं करवाई जाएगी, जवाब दीजिए। देखिए सही तरीके से जांच के हम हमेशा पक्षधर रहे हैं, मुझे देशवाल जी नहीं सिलेक्ट हुए इस बात की सहानुभूति है, पर किंतु देशवाल जी मुझे सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। आप जो सहानुभूति की दोबारा से परीक्षा दीजिए, मेहनत करके अब निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगर मेहनत करके आएंगे। अरे विशाल जी, इंटरव्यू में 4 सवाल उनसे पूछे गए, चारों का उन्होंने सही जवाब दे दिया, उसके बावजूद भी उनको 6 मार्क्स मिले। वो यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, आप वो यही तो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सही जवाब देने के बावजूद उनको 6 मार्क्स क्यों मिले। जो परीक्षा के नंबर थे, जो परीक्षा के नंबर थे और इंटरव्यू के जो नंबर थे, उनमें कितना डिफरेंस है? टॉपर है रिटन एग्जाम के, केवल मात्र एक परीक्षा के नंबर और इंटरव्यू के नंबर का मेल करवा के देखिए सर, ये जानकारी होगी कम से कम आपको। दूसरे आरोप लगा देने से तो आप सीबीआई जांच करवा लीजिए विशाल जी, विशाल जी आप सीबीआई जांच करवा दीजिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का,
प्रश्न पता लग जाएगा जीरो टॉलरेंस का। आपको इतराज क्या है सीबीआई जांच की? भाई साहब इतनी गड़गे साहब मत बोलो, नहीं आप करवा दीजिए ना सीबीआई जांच फिर। गड़गे साहब अगर बीजेपी प्रवक्ता को ये लगता है कि इंटरव्यू में तो किसी तरह की धांधली ही नहीं हुई, में बैठे हैं तो क्या जांच की गुंजाइश रहेगी और क्या जांच पर भरोसा किया जाए फिर? जांच पे भरोसा हमारी सरकार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए, आप बिना जांच के ये दावा कैसे कर सकते हैं कि इंटरव्यू में नंबर दिए जाने में किसी तरह की धांधली नहीं हुई? जिनके परीक्षाओं में ज्यादा नंबर है उनको इंटरव्यू में कम नंबर मिले हैं, आप इस बात का दावा कर देते हैं कि धांधली ही नहीं हुई? देखो एक आधे केस में अगर किसी की इंटरव्यू अच्छी नहीं हुई तो उसमें उसके अंक कम आए होंगे, निश्चित रूप से आए होंगे, किंतु जो लोग सिलेक्ट हुए जो आज तक सिलेक्ट होते आए आप पेपर लीक हो चुके मूवी को देखिए किस प्रकार के लोग हैं। 19 पेपर लीक हो चुके 19। अरे तो ये 8 लोग जो गिरफ्तार किए हैं विशाल जी, फिर किस लिए गिरफ्तार किए हैं? अगर आप कहते हैं कि जो भर्ती हुई है वो ठीक हुई है फिर ये क्यों गिरफ्तार किए हैं? आप खुद मान रहे हो भ्रष्टाचार हुआ है, आप खुद मान रहे हो धांधली हुई है, नहीं आप तो मान रहे हो भाई, आपने तो खुद माना तभी 8 लोग आपने गिरफ्तार किए। लेकिन असलियत ये है कि आपने मगरमच्छों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप सीबीआई जांच करवाइए, सच्चाई पता लगे। विशाल सेठ जी सुनिए सर, सुनिए, अगर इन लोगों ने घोटाले किए हैं तो ये सरकार में भी नहीं, आप लोग सरकार में हैं जवाब आप ही देंगे, ये जवाब नहीं। विशाल जी जवाब दे रहे हैं ना, ठीक है सुनिए, जवाब दे रहे हैं, सुनिए सर, सुनिए सुनिए विशाल जी, कोई और पूछने का अधिकार तो रखता है पर ये लोग जो अभी ऐसा है विशाल जी परेशान मत होइए, आपका जो आपका बुलबुला फट गया है, ये पारदर्शी प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ गई है, सच्चाई को फेस कीजिए। विशाल जी कोई भी सभी आपकी बात से सहमत है कि जांच की शुरुआत आपने की, आपकी सरकार ने जांच की शुरुआत की, लेकिन क्या ये जांच सभी चाहते हैं इन 8 लोग जो गिरफ्तार किए इन्हीं तक सीमित रहेगी या ये आगे भी बढ़ेगी? नहीं आगे बढ़ रही है, देखिए आज 3 लोगों के और नाम आ रहे हैं, आप ये जांच बढ़ रही है, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं, चाहे वो इसमें चेयरमैन शामिल है या नहीं है, सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ अधिकारी हमारी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, मुख्यमंत्री है या नहीं है तो उसके ऊपर भी जांच होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। इन आदमियों में मुख्यमंत्री का नाम है या नहीं है? जो पुलिस मुख्यमंत्री जी के अधीन है वो मुख्यमंत्री जी की जांच कैसे करेगी? या तो चेयरमैन को हटाइए फिर जांच करवाइए, मुझे लगता है ज्योति जी सबसे ज्यादा सवाल इंटरव्यू के नंबर लगाने पर है। अब इस आयोग में या कर्मचारी चयन आयोग में या HPSC में इंटरव्यू लगाने का क्या क्लियर नहीं है? आपको परेशानी हो रही है, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, रिक्वेस्ट है सुनिए सुनिए सर, सवाल सुनेंगे जवाब आप आएंगे, सवाल सुनेंगे तो जवाब आएंगे। गंगा साहब बोलिए सर जल्दी। ज्योति जी हमारे सामने HPSC के पूर्व मेंबर हमारे साथ नरेंद्र विद्या अलंकार जी, विशाल सेठ जी आखिरी 2 मिनट है आपसे रिक्वेस्ट है, सुनिए भी और सुनने भी दीजिए दर्शकों को, बोलिए गंगा साहब। ज्योति जी हमारे साथ नरेंद्र विद्या अलंकार जी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि नंबर लगाने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, इंटरव्यू में क्या प्रक्रिया है? देखिएगा विशाल जी आपने जो पारदर्शिता की बात की है ना, सरकार ने पारदर्शिता की कोशिश की, अगर पारदर्शिता वाली बात होती तो शुरू से ही इंटरव्यू, क्योंकि सारी जो धांधली की बातें हो रही है वो इंटरव्यू को लेकर के हैं, आपकी सरकार को वीडियोग्राफी करानी चाहिए थी ताकि सरकार भी संतुष्ट होती, मेंबर भी संतुष्ट होते और जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो भी संतुष्ट होते, लेकिन आप लोगों ने इस मेथड को अपनाया नहीं। दूसरी बात ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ थी, अगर ये सीक्रेसी ब्रांच में थे सारे के सारे तो सीधी जिम्मेदारी चेयरमैन की है और चेयरमैन का इस्तीफा होना चाहिए, जब तक चेयरमैन वहाँ हैं आप निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। दूसरा आपकी सरकार ने जो ये कदम उठाया कुछ लोगों को गिरफ्तार किया ये अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट वो तभी आएगा और जल्दी अगर नहीं आया तो अभी उसका कोई न्याय नहीं होगा अगर देर की, लेकिन विपक्षी पार्टियां और हरियाणा के लोग और खासकर जो कैंडिडेट थे उनको भरोसा नहीं है कि आपकी पार्टी निष्पक्ष जांच करा पाएगी, इसलिए जो CBI की जांच हो तो बेहतर होगा। दूसरा जो तरीका है, ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार में ही गड़बड़ हुई हो, कुछ लोगों का संदेह है कि रिटर्न में भी गड़बड़ होती है, बिल्कुल रिटर्न के लिए भी आपको देखिएगा 2 तरीके हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्टिव पहले कराएं ताकि वो कम नंबर हो जाए इसके जो टेस्ट देने वालों के, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएं और उसके बाद स्पॉट चेकिंग होनी चाहिए, फिर पारदर्शिता पूरी होगी। और इंटरव्यू के लिए जल्दी जल्दी इसमें बात ये थी कि जो ना केवल इंटरव्यू में रिटर्न के अंदर जो रिटर्न टेस्ट हुआ वो ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन के अंदर कंप्यूटर में जो ऑनलाइन सीटें भरी गई उसके उसके नाम के भी पैसे लिए गए। और जो मामला है चार सीट के अंदर वो है उसके अंदर कि रिटर्न जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसके भी पैसे भी चल रहे थे इस मामले में, रिटर्न में भी और रिटर्न में भी, दोनों मामलों में पैसे की रिश्वत का मामला है। या बाकी जो बड़े लोग हैं उन पर एक्शन क्यों ना लिया जाए, वो जांच के दायरे में क्यों नहीं आएंगे, और सीबीआई या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सरकार जांच करवाने की मूड में नजर क्यों नहीं आती, आखिर जवाब। देखिए जो तो पहली बात ये रखी इन्होंने कि चेयरमैन को रिजाइन करवाया जाए, ये इसी चेयरमैन के पद पर होते हुए ये सारा काम पकड़ा गया। अरे ये क्यों नहीं कहते कि इसी चेयरमैन के होते ये हुआ, ये हुआ 75 लाख में रिश्वत भी इसी चेयरमैन के नाम पे लगी है कि इन्होंने 75 लाख। चलिए शुक्रिया सभी का, शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा की आज की, हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही है ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस तरह की कई चीजें निकलकर सामने आई, सरकार किस तरह की जांच करवाएगी उसमें खुलासा किस तरह का होगा, ये इंतजार का विषय है।